काफी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मार्केट स्टाइल मसाला स्वीट कॉर्न्स बनाने के लिए कोई स्पेशल कॉर्न्स या फिर फ्रोजन कॉर्न्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम तक मुझे भी था। तो आइए जानिए इस वीडियो में। बारिश का सीजन है, आपने अपनी लोकल मार्केट या फिर रोड साइड पे भुने हुए भुट्टे तो खाए ही होंगे, तो क्यों ना आज हम उन्हीं भुट्टों से बनाएं मार्केट स्टाइल मसाला स्वीट कॉर्न्स। ये वही स्वीट कॉर्न्स हैं जो आप 50 से 100 रुपए तक के थिएटर, मॉल्स या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीद के खाते हैं। पर क्या आपने इन्हें कभी घर पे बनाने का ट्राई किया है? आई एम श्योर नहीं बनाए होंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि कितने इजी टू मेक एंड सुपर क्विक रेसिपी है। सिर्फ 20 रुपए के भुट्टे से आप अपनी पूरी फैमिली को मार्केट स्टाइल मसाला स्वीट कॉर्न्स का मजा दिला सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आशिमास किचन एंड बेल आइकन दबाना मत भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले मैं कॉर्न में से कॉर्न कर्नल्स रिमूव करने की टेक्निक बताऊंगी आपको। उसके लिए हमें कॉर्न लेंगे और उसके एक एंड को नाइफ से स्ट्रेट नीचे तक अच्छे से कट कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला एंड कट किया है, सेम हम उसके दूसरे एंड को भी नाइफ से इसी तरीके से नीचे तक अच्छे से कट कर लेंगे। दोनों एंड्स हमारे कॉर्न के कट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर की पूरी स्किन रिमूव कर देंगे चारों तरफ से। कॉर्न की स्किन ऑलमोस्ट उतर चुकी है और ये देखने में ही इतने जूसी और फ्रेश लग रहे हैं। अब कॉर्न के नीचे की तरफ से शुरू करते हुए हम एक एक कॉर्न कर्नल को अपने नेल से बाहर की तरफ पुश करेंगे, जिससे हमारा एक एक कॉर्न बड़ी सफाई से बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस हमें एक राउंड सीक्वेंस में करना है, उससे इजीली हमारे कॉर्न कर्नल्स निकलेंगे एंड बीच में नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे कॉर्न कर्नल्स कितनी सफाई से और जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। इस तरह से हम सभी कॉर्न कर्नल्स को निकाल लेंगे। आई होप ये तरीका आपको हेल्प करेगा। हमारे कॉर्न के दाने बहुत ही जूसी और फ्रेश लग रहे हैं। इनको देख के अंदाजा लग सकता है कि हमारे मसाला स्वीट कॉर्न कितने यमी बनने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम अपने कॉर्न कर्नल्स को 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने रखेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। कुछ लोग इनको इंस्टेड ऑफ स्टीमिंग बॉयल करते हैं, बट पर्सनली मैं इनको बॉयल करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉयलिंग के दौरान हमारे कॉर्न कर्नल्स की मिठास निकल जाती है और फिर हमारे मसाला स्वीट कॉर्न्स उतने जूसी एंड टेस्टी नहीं बन पाते हैं। टर्मिनल्स हो गए हैं एंड वाओ, इनका कलर कितना अच्छा है और ये कितने खिले खिले लग रहे हैं। इनको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर क्रश करेंगे, 4-5 टेबलस्पून मेल्टेड बटर इसके अंदर डालेंगे फॉर द फ्लेवर, एंड लास्टली 3 टेबलस्पून स्क्वीज्ड लेमन जूस हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। सभी स्पाइसेस को कॉर्न के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मसाला स्वीट कॉर्न बन के रेडी है। ये देखने में ही काफी टेम्पटिंग एंड फ्लेवरफुल लग रहे हैं। इनका कंप्लीट मार्केट स्टाइल लुक एंड टेस्ट आया है, अमेजिंग। मार्केट में इसके अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, पर आप उन फ्लेवर्स को भी घर पे बना सकते हैं। सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि अगर आपको मैगी स्वीट कॉर्न पसंद है तो थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। चीज स्वीट कॉर्न पसंद है तो उसमें थोड़ी सी चीज डाल सकते हैं। तो अपने पसंद के हिसाब से फ्लेवर चेंज करके आप अपने पसंदीदा मसाला स्वीट कॉर्न घर पे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कॉर्न्स पसंद है तो कॉर्न्स रिलेटेड और भी रेसिपीज मेरे चैनल पे जल्द आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। स्पेसिफिक रेसिपी अगर आप चाहते हैं मैं आपसे शेयर करूं, आपको बना के दिखाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।